तहरीर आई थाने में, ये श्री हेमपंथ है मुंशहरी के रहने वाले। इनका यह कहना था कि इनको एक लड़का मिला जिसने अपना नाम दीपक भंडारी लिखाया था, वहीं मिला था मुंशहरी की तरफ से, और उसने बताया कि मेरी जान पहचान है एम्स में और मैं जो है वहाँ जी एन एम में नौकरी लगा दूँगा, एक्सपोजिशन में जॉब लगा दूँगा, बाद में पक्की हो जाएगी। उसके बाद ये इसके कहने पर हेमपंथ जी की एक साली है कुमारी प्रीति और एक दूसरी इनकी भांजी है कुमारी, भांजी का नाम है पारुल जोशी, ये दोनों हल्द्वानी के रहने वाली महिलाएँ, इनके कहने पे ये पंजी के कहने पे दोनों महिलाएँ यहाँ आई और ये जो काल्पनिक नाम का व्यक्ति था दीपक भंडारी, इसको इन्होंने दीपक भंडारी ने प्रलोभन दिखाया, इनसे इनको घुमाया और उसके बाद जो है इनसे करीब जैसे इनका कहना है करीब 5-6 लाख रुपये के आसपास इन लोगों ने इससे अलग अलग किस्तों में इस अगस्त के महीने में ले ली थी। 17 तारीख को फाइनल पेमेंट कर दी इन लोगों ने, उसके बाद ये दीपक भंडारी यहाँ से भाग गया, इसने अपना फोन वगैरह बंद कर दिया। उसके बाद 22 तारीख को इन्होंने थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था, तो जिन नंबरों से बात इसकी हुई थी मोबाइल नंबरों से, उन नंबरों के आधार पर एक आदमी को हमने आज हरिद्वार से अरेस्ट किया है। इसका एक्चुअल नाम जो है कपिल सिंह रैखुला, पुत्र प्रेम सिंह रैखुला, ये तहसील धारचूला जिनका पिता वगैरह रहने वाला, इसको अरेस्ट किया है। इसके पास से करीब 1 लाख रुपये जो ठगी इसने करी थी बरामद की है, बाकी शेष रकम और जो भी इसके साथी हैं या इसके बारे में पूछताछ इससे भी की। अब तक की प्रारंभिक जांच में ऐसा इसे एम्स से कोई लेना देना नहीं इसका, ये इसके अक्यूज का ये कहना है कि साहब ये पहली बार ही इसी केस आए, जब इसके दिमाग में ठगी का प्लान आया तब ये इन पीड़िताओं से 2 दिन पहले ही इसी केस आया था और यहीं आकर इसने भूमिका बनाई। अब तक इसका एम्स के किसी भी संस्थान या व्यक्ति से कोई संबंध संपर्क नहीं मिला।